सलमान खान ने जान से मारने की मिल रही धमकियों पर ऐसा बयान दिया है जो किसी के गले से नहीं उतर रहा है। दुबई में हुए आपकी अदालत शो में सलमान खान ने कहा कि दुबई उनके लिए एकदम सेफ है, लेकिन भारत में उनके लिए दिक्कतें हैं। सलमान खान ने कहा, जो होना होगा वो होकर रहेगा। सलमान खान की ये बात सुनकर उनके फैंस डर गए हैं। दरअसल सलमान खान को लगातार जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही है। इस धमकी की शुरुआत लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से हुई थी, जिसके बाद सलमान खान को जेड प्लस कैटेगरी की सुरक्षा दी गई। लेकिन बावजूद इसके सलमान को धमकियाँ मिलना कम नहीं हुआ, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने उनकी सुरक्षा में मुंबई पुलिस के कई और जवान लगा दिए। इतना ही नहीं, सलमान ने बुलेट प्रूफ कार भी खरीद ली है। फिलहाल आप क्या कहेंगे इस पर, अपनी राय हमें कमेंट्स में दीजिए और ज़्यादा अपडेट्स के लिए बॉलीवुड टॉक टाइम को सब्सक्राइब कीजिए।